गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ होठी झलक। टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर साइंस सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 7। योर चैप्टर 3 इज फाइबर टू फैब्रिक। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेसिंग फाइबर्स टू वूल तक देखा था। आज पेज नंबर 28 पर एक्टिविटी 3.4 देखेंगे। तो एक्टिविटी 3.4 में क्या है कि डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इन टीस फेयर ऑन अ पार्ट ऑफ ह्यूमंस और अ रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। तो उसमें 3.2 चलो देखेंगे कि सिल्क है। सिल्क में क्या है कि सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर है वो ऑल्सो क्या है, एनिमल फाइबर्स भी, एनिमल फाइबर्स ही है। तो सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। तो चलो सिल्क वर्म्स क्या स्पिन करता है, तो सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी कि जो सिल्क होता, सिल्क वर्म्स होते हैं वो क्या रियरिंग होता है, उसका रियरिंग होता है और वो क्या हमें सिल्क ऑब्टेन करता है, यानी कि सिल्क देते हैं, तो वो क्या हो गया, सेरिकल्चर। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क सारीज दे हैव। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, यानी कि आपको किसका फाइंड आउट करना है, किससे, तो मदर, आंट, जो ग्रैंड मदर होती है वो, उसके पास कैसी सिल्क की साइज होगी उनके पास। तो लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, वो कैसा सिल्क है वैसा काइंड उसके देखना है। तो बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। क्या है कि बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, जो ऑब्टेनिंग सिल्क की प्रोसेस से डिस्कस करते हो उसके पहले इट इज नेसेसरी टू नो क्या है कि द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। क्या है कि जो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री है वो इंटरेस्ट। तो चलो देखते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री। द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग्स फ्रॉम विच कैच लार्व विच इज आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और अ सिल्क वर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ होता है लेस एग्स फ्रॉम विच हैज लार्व विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म। क्या हो गया, वो दोनों कैटरपिलर्स है एंड सिल्क वर्म्स है। दे ग्रो इन अ साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। क्या होता है कि वो जो ग्रो होता है तो दे ग्रो इन अ साइज एंड व्हेन कैटरपिलर इज रेडी फॉर एंटर द नेक्स्ट स्टेज। तो जो कैटरपिलर होता है वो किसके लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए वो क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है और रेडी हो जाता है ऑफ द ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री के लिए। क्या हो जाता है, वो रेडी हो जाता है। तो दे ग्रो इन अ साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, पूपा। इट फर्स्ट वेव्स अ नेट आउट टू होल्ड इट्सेल्फ देन इट स्विंग इट इज हिड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ ए। चलो फिगर 3.9 में आपको लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री दी है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिल्क वॉर्म, फीमेल है, मेल है, वो सारा दिया है। तो चलो सिल्क मोथ से एडल्ट सिल्क मोथ्स में है मेल एंड फीमेल। ये क्या है, मेल है एंड ये क्या है, फीमेल है। चलो एग्स ऑफ मलबरी लीव्स क्या है, मलबरी लीव्स पर एग्स है, तो एग्स ऑन मलबरी लीव्स। ये क्या है, डी में सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म तो आप स्टैंडर्ड 7 और 6 में भी पढ़ चुके हो। ये क्या है, कुकून एंड एफ है कि कुकून विथ डेवलपिंग मॉथ। कुकून है और उसका क्या है, डेवलपिंग मॉथ है। तो ये सारे क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ये सारे ABCDEF सारे क्या है, सिल्क मोथ की
लाइफ हिस्ट्री है। तो प्रोटीन विच हार्डेंस आर एक्सपोर्ट्स टू एयर एंड बिकम्स टू सिल्क फाइबर। तो क्या है कि जो प्रोटीन होता है वो विच, तो प्रोटीन विच हार्डनेस आर एक्सपोर्ट्स टू एयर एंड बिकम्स टू सिल्क फाइबर। सुन द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इट्सेल्फ। जो कैटरपिलर होता है वो कंप्लीटली क्या इट्सेल्फ यानी कि खुद कवर कर देता है बाय सिल्क फाइबर से एंड टर्न्स इनटू पुपा। वो किसमें टर्न्स होता है? पुपा। तो क्या है जो कैटरपिलर है वो कंप्लीटली कवर्स इट्सेल्फ हो जाता है बाय किससे? तो सिल्क फाइबर से कंप्लीटली कवर्स हो जाता है एंड टर्न्स इनटू पुपा। वो किसमें टर्न्स होता है? तो पुपा में। दिस कवरिंग इज नॉन एज ए कुकून। ये उसका कवरिंग है, उसको हम कैसे जानते हैं? तो कुकून से। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कुकून। तो फिगर 3.9 में आपको वो दिया है, ठीक है, 3.9 के ई में कुकून दिया है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क मोथ। तो सिल्क फाइबर्स है वो किस में यूज होता है? तो सिल्क मोथ क्लोथ वीविंग करने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपरेबल थ्रेड ऑफ अ स्टील। क्या है कि कैन यू इमेजिन, आपने इमेजिन किया है कि दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न, जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है, इज एज स्ट्रॉन्ग, कैसा होता है वो? स्ट्रॉन्ग होता है एज अ कंपरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो वो किससे? जो स्टील का थ्रेड होता है इससे क्या कंपेरेबल है? दिस सिल्क, द सिल्क यार्न थ्रेड, ये जो थ्रेड है सिल्क का, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। क्या है कि सिल्क मोथ का जो क्या है उसको किससे ऑब्टेन होता है? तो द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ क्या ऑब्टेन होता है? तो वो थ्रेड, जो सिल्क का थ्रेड होता है वो हमें कुकून ऑफ द सिल्क मोथ में से ऑब्टेन होता है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न, जो सिल्क यार्न होता है, एंड दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कॉट स्मूथ शाइनी, एंड कैसा होता है? ऐसा शाइनी भी होता है, स्मूथ भी होता है, ठीक है। तो द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून फ्रॉम द सिल्क मोथ, वो सिल्क मोथ का कुकून में से वो ऑब्टेन होता है। देर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ, वो क्या है, सारी वेराइटी है सिल्क मोथ की, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर, वो दूसरे से क्या दिखता है, वेरी डिफरेंट, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड द डिफरेंट इन अ टेक्सचर, तो कॉट स्मूथ, एंड कैसा होता है वो, शाइनी होता है। दस टेजर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, टेजर सिल्क भी होता है, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे इसमें से ऑब्टेन होता है द कुकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड्स के कुकून स्पून है उसमें से ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? तो तसर सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। क्या है जो मोस्ट कॉमन सिल्क है वो कौन है? तो मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। जो क्या है कि जो कुकून मोथ है वो कैसा है? सॉफ्ट है, लस्टर्स है एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। वो क्या होता है? ब्यूटीफुल कलर्स में डाइड भी होते हैं, इलास्टिक भी है, लस्टर्स भी है, ठीक है, एंड क्या है, सॉफ्ट भी है। तो सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरिकल्चर और कल्चर है वो क्या है, वो सेरिकल्चर एंड कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स है वो क्या है, वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इंडिया में है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी, प्लेंटी यानी कि पुष्कल ऑफ सिल्क वर्म एंड कॉमेरिकल स्केल, जो व्यापारी धोरण में उसका यूज होता है उसका, वो क्या करता है इंडिया में, पुष्कल यानी कि प्लेंटी प्रोड्यूस उसका होता है। तो इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क
ऑन अ कॉमेरिकल स्केल तो इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क प्लेंटी प्रोड्यूस उसका होता है, यानी कि पुष्कर प्रोड्यूस ऑन अ कॉमेरिकल स्केल व्यापारी धोरण में उसका। तो एक्टिविटी 3.5 में क्या है कि कलेक्ट पीस ऑफ अ सिल्क क्लोथ ऑफ अ वेरियस टाइप एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। क्या करना है कि कलेक्ट द पीस ऑफ अ सिल्क, सिल्क के पीस कलेक्ट करना है सिल्क क्लोथ का, ऑफ अ वेरियस टाइप यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक में क्या करनी है, उसकी पेस्ट करनी है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप अमंग द हेड ऑफ वेस्ट कट पीसेस, यानी कि आपको ऐसे पीस नहीं मिलते तो क्या करना है कि जो टेलर्स की शॉप होती है तो शॉप पर जाना है और क्या करना है, ऐसे सिल्क के वेरियस वेरियस टाइप्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथिस के पीस लाने हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आप आपकी मदर के हेल्प भी ले सकते हो, आंट और टीचर, एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टैसल सिल्क, आई सिल्क, मोगा सिल्क। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का सिल्क है, तो आपके मदर की भी हेल्प ले सकते हो, आंट की ले सकते हो, एंड टीचर्स की भी। आपके आपको ये सिल्क के टाइप्स का आइडेंटिफाई करना है कि वो मलबरी सिल्क है, टैसल सिल्क है, एरी सिल्क है कि मोगा सिल्क, ऐसे क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस, से क्या करना है कंपेयर करना है। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, वो क्या कंटेन करता है, तो सिंथेटिक फाइबर्स। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोड्स, क्या करना है, क्या जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के है वो उसके पिक्चर कलेक्ट करना है। वो कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ ए सिल्क, उसके जो कैटरपिलर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, वेरियस टाइप्स के सिल्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.6, तो एक्टिविटी 3.6 में क्या है कि टेक एंड आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड, क्या लेना है, आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड यानी कि सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है एंड प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। तो क्या है उसमें कि बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, ये दोनों थ्रेड को क्या करना है, केयरफुली बर्न करना है। डिड यू नोटिस द एनी डिफरेंस इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग, मतलब जब बर्निंग होता है ये थ्रेड को दोनों, आप सिंथेटिक फाइबर्स के थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड के थ्रेड को आप बर्न करते हो तो बर्न होता है तो उसकी स्मेल दोनों की डिफरेंस आएगी। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, पहले क्या करना है, जो वुलन फाइबर है वो केयरफुली बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, मतलब दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आएगी स्मेल, सिंथेटिक भी डिफरेंट आएगी एंड जो सिल्क थ्रेड वूल थ्रेड है सारे की क्या आएगी, थोड़ी डिफरेंट ही। टू रिमेम्बर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन अ लाइफ हिस्ट्री, क्या है जो कोकून है वो उसका जो रिमेम्बर आपको करना है यानी कि याद करना है कि व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोन, तो ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 3.7 में क्या दिया है, फोटोकॉपी फिगर 3.9 में कट The cut out picture of the stages of the life history of the silk moth, तो क्या करना है उसका picture cut करना है and paste them on pieces of cardboard or a chart paper पर उसका piece को लगाना है। Jumble them, now try and arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form, क्या करना है, क्या try and arrange करना है कि जो stage है is the correct sequence, उसकी correct sequence and cyclic form में आपको कार्डबोर्ड एंड चार्ट पेपर पर लगाना है। वॉट एवर डज इट फास्टेस्ट विंस, यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, आपको क्या जो स्क्रैप बुक में लगाते हो पिक्चर तो उसमें आपके खुद के वर्ड्स में, ओन वर्ड्स यानी कि खुद के वर्ड्स में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है किसके बारे में, तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में ओन वर्ड्स यानी कि खुद के वर्ड्स में आप जो भी आता है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। राइट इन डाउन इन योर स्क्रैप बुक, ये इसमें लिखना है तो स्क्रैप बुक में लिखना है। तो ऐसे कोई कट पिक्चर्स करके, पिक्चर्स कट करके आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी 3.7 करना है। तो उसमें
आप लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो भी जानते हो वो क्या करना है उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो, एंड जो है कि उसकी जो सीक्वेंस है वो कैसे होनी चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस भी होना चाहिए एंड साइक्लिक फॉर्म भी होना चाहिए।